सो इन दिस लेक्चर वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हेलोफाइल एंड ऑस्मोफिलिक के बारे में डिस्कस करेंगे. तो हेलोफिलिक क्या होता है, फर्स्ट वी नो अबाउट दैट. तो हेलोफाइल्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो साल्ट लविंग होते हैं, जिसके साल्ट की जहाँ पे साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पे पाए जाते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, हेलोफिलिक ऑर्गेनिज्म्स बोलते हैं. तो ये क्या होते हैं, ये कैसे यहाँ पाएंगे, हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह पर ये पाए जाएंगे. दूसरा बोल रहे ये इसको ऐसे टाइप का साल्ट लविंग ऑर्गेनिज्म को एक तरह का और नाम से बोलते हैं, ये क्या होते हैं, स्टेमोफिलिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, स्टेनो मीन्स क्या हो गया, स्टमो मीन्स हो गया आउटर सराउंडिंग एरिया, कि बाहर से ये कितना प्रेशर झेल सकते हैं उसको बोलते हैं स्टेमोफिलिक ऑर्गेनिज्म्स बोलते हैं. और बाहर से जितना प्रेशर जितना साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन झेल सकते हैं उसको बोलते हैं हेलो टॉलरेंस. हेलो टॉलरेंस क्या होता है, ये और किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बताता है कि साल्ट की मात्रा वो कितना झेल सकता है, इसको क्या बोलते हैं, हेलो टॉलरेंस. और ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, हेलो टॉलरेंस ऑर्गेनिज्म्स बोलते हैं. तो हम हेलोफिलिक ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरियोफिलिक बोल सकते हैं, हेलोफिलिक ऑर्गेनिज्म भी, हाँ हेलो टॉलरेंस ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं. अभी क्या होता है, ये एक डोमिनेंस पाया जाता है, मतलब क्या टाइप, किस टाइप से ये हेलोफिलिक ऑर्गेनिज्म किस टाइप के बैक्टीरिया से बिलोंग करता है. तो रिसर्च में ये पताया गया कि ये आरसी बैक्टीरिया के डोमेन से बिलोंग करता है. अब ये क्या हुआ, अब हेलोफाइल्स क्या थे, कुछ ऑर्गेनिज्म हेलोफाइल्स के ऐसे भी थे जो कोई भी कैरेटिनॉइड कंपाउंड के साथ मैच करने पे, मतलब कॉन्टेमिनेट होने से वो रेड कलर शो कर रहे थे. और ये रेड कलर क्यों शो कर रहे थे, बिकॉज इनके पास एक तरह का पिगमेंट था, उसका नाम क्या है, बैक्टीरियोरोडोफिन्स. बैक्टीरियोरोडोफिन्स क्या है, एक तरह का पिगमेंट है जो कैरेटिनॉइड जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है. तो कुछ ऑर्गेनिज्म में ये देखा गया हेलोफाइल्स के कि बैक्टीरिया की तरह ही है, और वो कैसा है, वो कोई भी कैरेटिनॉइड कंपाउंड के साथ मीटअप करने पे या उसे कॉन्टैक्ट होने के बाद वो रेड कलर शो कर रहे हैं. अब क्या था, ये क्या होता है, हेलोफाइल्स जो होते हैं हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, बट आपका कंडीशन ये है कि हेलोफाइल्स जहाँ पाए जाएंगे वहाँ पे मात्रा जो साल्ट की मात्रा है वो क्या है, 5 गुना ज़्यादा होना चाहिए, 5 times greater than ओशियन वाटर एंड आपका इवोपोरेटेड पॉन्ड्स. मतलब क्या है कि पाए तो हर जगह जाएंगे, बट कंडीशन ये रखा गया है कि कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे 5 गुना ज़्यादा वाटर आपका कॉन्सेंट्रेशन हो साल्ट का, चाहे वो ओशियन हो, किससे ज़्यादा हो, ओशियन वाटर से या इवोपोरेटेड पॉन्ड्स के वाटर से ज़्यादा हो. तो ऐसे को हम, ठीक है, ये कंडीशन है कि पाए जगह आ जाएंगे. अब ये क्या है, हेलोफाइल्स को हम हेलो टॉलरेंस बोलते हैं. हेलो टॉलरेंस मैंने डिस्कस किया कि हेलो मिस क्या हो गया कि साल्ट, और टॉलरेंस मिस क्या हो गया, क्षमता, कि वो साल्ट की क्षमता को कितना झेल सकते हैं उसको बोलते हैं हेलो टॉलरेंस. और इसके हिसाब से हेलोफाइल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्लाइटर, मिडियल और आपका हाई. तो इसके हिसाब डिस्कस किया गया है कि आपका हेलो टॉलरेंस हिसाब से ऑर्गेनिज्म को आपको डिस्कस किया गया. अब क्या होता है, ये देखा गया कि हेलोफाइल्स तो लीव तो कहीं भी कर सकते हैं, ये कंडीशन बस फुलफिल होना चाहिए, 5 times greater than साल्ट ऑफ ओशियन एंड आपका सी वाटर, ओशियन पॉन्ड्स वाटर एंड सी वाटर. बट वहाँ पे इनको ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, यानी सीएल की मात्रा प्रेजेंस होनी चाहिए, तभी ये हेलोफाइल्स ग्रो करेंगे. तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मोफिलिक के बारे में. ऑस्मोफिलिक क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर्स डिस्क आपका झेल सकते हैं. अब सबसे पहले समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर्स के बारे में. तो प्रेशर में क्या हो गया, कोई भी दबाव जो बाहर से लगती है, ऑस्मोफिलिक ऑस्मोटिक्स क्या हो गया, ऑस्मोटिक क्या हो गया कि ये क्या होता है कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा से कम की तरह मूव करना, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट का ज़्यादा से कम की तरह मूव करना, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोफिलिक, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं. और ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को क्या बोलते हैं, ऑस्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म्स बोलते हैं. तो समझ में आ गया ऑस्मोसिस क्या होता है, कि मूवमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम हायर मॉलिक्यूलर टू द लोअर मॉलिक्यूलर, कि मतलब कि किसी भी चीज़ का मूवमेंट होना हायर से लोअर की तरफ कब तक, जब तक इक्वल ना हो जाए, उसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो हो रहा है हायर टू लोअर हो रहा है, ठीक है. और इसी को अब जो ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है, कि अब मान लो अंदर कम है तो प्रेशर अप्लाई कर ज़्यादा जाएगा, ठीक है. तो जो प्रेशर है उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर्स बोलते हैं.
तो ऐसे जैसे क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन हो गया कि मान लो कहीं पे शुगर की मात्रा, मान लो वाटर है अगर शुगर मात्रा कम है, तो शरबत देख लो, तो शरबत के अंदर क्या होगा कि उसके प्रेशर वो ज़्यादा लगाएगा किसमें, वाटर के अंदर घुलने के लिए, तो क्या उसको बोलते हैं आपका हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। जो दोनों प्रेशर लगे उसको क्या बोलते हैं, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, या सिरका देख लो आप, ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, ऑस्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, दीज आर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टॉलरेंस ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करते हैं, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर झेलने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कौन से, ऑस्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर झेलने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनको इनको क्या बोलते हैं, ये सिमिलर टू आपका हेलोफिलिक आपका है, मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे हेलोफिलिक हेलोफिलिक ऑर्गेनिज्म जो है वो साल्ट लविंग है, मतलब क्या है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन को ये झेल सकते हैं हेलोफिलिक, उसी तरह ऑस्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, हाई ऑस्मोफिलिक ऑस्मोटिक प्रेशर्स को झेल सकते हैं। तो ये सिमिलर की तरह, ऑस्मोफिलिक की तरह ये भी सिमिलर है, मतलब ये भी क्या है, आर डोमेन्स, किस डोमेन पाए जाएंगे, आर्चिया डोमेन्स में ही पाए जाएंगे। और ये भी कैसे ऑर्गेनिज्म है, ये भी आपका स्टमोफिलिक ऑर्गेनिज्म है। स्टमोफिलिक क्या हो गया, जो बाहर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है उस पर रिएक्ट करे। ठीक है, स्टमोफिलिक मतलब बाहर से प्रेशर अप्लाई करने पे उसे प्रभाव क्या करे, तो झेल सकता है उसको, ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्टमोफिलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये भी स्टमोफिलिक ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक है, क्यों, बिकॉज हमारा ये ऑस्मोटिक प्रेशर को झेल रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब जो और जितना और ऑस्मोटिक प्रेशर झेल सकता है उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मो टॉलरेंस बोलेंगे। इसमें हम लोग क्या बोल रहे थे, हेलो टॉलरेंस बोल रहे थे, बिकॉज क्यों बोल रहे थे कि ये हाई ऑस्मोटिक प्रेशर झेल रहा था, यहाँ पे क्या आया, हाई आपका साल्ट कॉन्सेंट्रेशन आप प्रेशर झेल रहा था, यहाँ पे क्या है आपका हाई ऑस्मोटिक प्रेशर झेल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑस्मो टॉलरेंस बोलेंगे। ठीक है, इनके पास अपने आप को बचाने के लिए एक तरह प्रोटेक्टेंट्स होता है जो बचाता है उनको, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मो प्रोटेक्टेंट्स इसको बोलते हैं। तो इनको बचाने के लिए एक तरह इनके पास प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव गैजेट्स होते हैं, आप बोल सकते हो कि बॉडी में कुछ ऐसा पार्ट होते हैं जो उनका काम करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं ऑस्मो प्रोटेक्टेंट्स बोलते हैं, जो एक तरह क्या है, अल्कोहल या अमीनो एसिड्स है आपका। तो ऑस्मो प्रोटेक्टेंट्स क्या है, आपको हेलोफिलिक के अंदर याद रखना पड़ेगा, अल्कोहल एंड अमीनो एसिड्स है आपका। अब ये पाए क्या आ जाएंगे, कुछ जो आपका ऑस्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है वो क्या हुआ, ईस्ट के साथ लाइनेज ऑफ फंजाई। तो कुछ आपका ऑस्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म क्या है, ईस्ट या फंजाई के साथ लाइनेज, मतलब मिले हुए मिल के रहते हैं आपका। अब क्या हुआ, ऑस्मोफिलिक ईस्ट वाज द इम्पॉर्टेंट, क्यों हम इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं, ऑस्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज हम देखते हैं हमारा जो खाना होता है वो खराब हो जाता है। तो खाना खराब होने का कारण क्या है, ऑस्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो हाई साल्टी कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे पाए जा सॉरी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया कि स्वीट जो हो गया, आपको स्वीट हो गया, स्वीट्स गुड्स इंडस्ट्रीज के अंदर जो स्वीट्स बनते, मिठाइयाँ वगैरह होती, बहुत मीठी चीज़ें होती हैं उनको खराब कर, जैसे जैम्स वगैरह। ठीक है, दूसरा क्या होगा, शुगर जहाँ पे आपको ज़्यादा यूज होता वहाँ पे आपको ये खराब करते हैं। तो इस पे ये ध्यान दिया गया है कि अगर ऑस्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म को अगर हटा दिया जाए तो हमारा जो फूड है वो स्पॉइलेज होने से बच सकता है। तो इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमने इस लेक्चर के अंदर हेलोफिलिक जो साल्ट लविंग है उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियो हेलोफिलिक या हेलो टॉलरेंस ऑर्गेनिज्म्स बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। और दूसरा हमने डिस्कस किया ऑस्मोफिलिक जो ऑस्मोटिक प्रेशर को, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को झेलता है।